हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, और हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे। तो जो हम लोग पहले से एक ट्रिक, सिंपल ट्रिक जानते हैं कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3, डबल बॉन्ड होता है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp। अगर उस मेथड से अगर हम लोग इस सेंट्रल कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड कार्बन है। अगर ये डबल बॉन्ड कार्बन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp2 अगर लिखते हैं तो ये गलत है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर सिंपल ट्रिक क्या है जिसके द्वारा हम लोग कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो सिंपल ट्रिक है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर इसका सम 2 है देन हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा sp हो जाता है। अगर इसका सम जो है 3 आता है हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर इसका सम जो है कि 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी कंपाउंड में कार्बन सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ और इम्पोर्टेंट है, कार्बन जो है ओनली 3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो करता है, दैट इज sp, sp2, sp3। कार्बन के जो कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं हो सकता है, या फिर जो है कि sp3d2 नहीं हो सकता है, sp3d3 नहीं हो सकता है, या dsp2 नहीं हो सकता है। यानी कार्बन का 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 ही टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, sp, sp2, sp3, dsp2, sp3, dsp3, d2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कार्बन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, और डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो डी कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन के कंपाउंड के बस 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और इसी में हम लोग को चूज करना है। अभी हम लोग ट्रिक की बात करें सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो कार्बन का जितना भी कंपाउंड है, उसमें लोन पेयर 0 होता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो कार्बन के पास लोन पेयर 0 होता है। और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो है, अगर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो कहते हैं इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसमें जो है कि 2 पाई बॉन्ड होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये फैक्ट याद रखेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड केवल है, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 ही हमेशा होता है और ये पाई बॉन्ड जो है कि इसमें जो है कि 2 हो जाता है। इस मेथड का यूज़ करके हम लोग इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखें कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो है कि सम 2 है या 3 है या 4 है। जैसे CH4 की बात करें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 होता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल हम लोग बात करें CH2, तो ये जो हमारा कार्बन है सी डबल बॉन्ड सी, इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया तो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई बॉन्ड हो गया, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन, इस सेंट्रल एटम का हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो अगर इस कार्बन को कंसीडर करें तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड जो है कि हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसके पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के पास भी टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होगा। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल की बात करें,
कि कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है। इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करें तो इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड और ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और सिमिलरली इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ऐसे ही एग्जांपल 4 की बात करें, ये जो कंपाउंड होता है दिस इज नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस इज नोन एज एलीन। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है और वो भी लगातार है, क्यूमुलेटिव है, दैट इज नोन एज एलीन। तो इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सेंट्रल एटम का, तो देख सकते हैं इस वाले कार्बन का, सेंट्रल कार्बन का, बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन के पास हम लोग देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा है, 1 पाई है, इधर भी 1 सिग्मा है, 1 पाई है। टोटल इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड जो है 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp, यानी कि ये डबल बॉन्ड देखने में कार्बन तो डबल बॉन्ड है लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्योंकि इसका टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है। तो अगर सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2, 3, 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp, sp2 और sp3 होता है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।